गृह राज्य मंत्री श्रीमान जी किशन रेड्डी जी, मेरे साथी गृह राज्य मंत्री श्रीमान नित्यानंद राय जी, राजभाषा विभाग की सचिव श्रीमती अनुराधा मित्रा जी, संयुक्त सचिव श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी, उपस्थित सभी सम्मान्य सांसदगण, अधिकारीगण, हिंदी प्रेमियों, हिंदी साहित्यकारों, पत्रकार मित्रों, आज के कार्यक्रम में मैं हृदय से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हिंदी दिवस के दिन अवसर पर मैं देश के सभी लोगों को, सभी भारतीयों को जो देश और विदेश में बसते हैं, उनको हृदय से बधाई भी देना चाहता हूं और हिंदी से जुड़ने का आह्वान भी करना चाहता हूं। मित्रों, आज हिंदी दिन है, हिंदी दिवस है, और जब हमारे संविधान के निर्माता हमारे संविधान को एक अंतिम स्वरूप दे रहे थे, इसका आकार बना रहे थे, उस वक्त कई सारी ऐसी चीजें थी जिसमें मत मतांतर थे, अलग अलग मत थे, और स्वाभाविक रूप से इतनी सारी बोलियां, इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी विविधता, इतनी सारी संस्कृति को रखने वाला हमारा देश, और इसकी राजभाषा का जब निर्णय करना हो तो स्वाभाविक है अलग अलग मत होंगे, होने भी चाहिए, न हो तो ही आश्चर्य। परंतु जब संविधान निर्माताओं ने समग्र स्थिति का आकलन किया और आने वाले एक दो सदी का दूरदर्शिता पूर्वक गहन अवलोकन कर चिंतन कर जब वो एक निर्णय पर पहुंचे, तो पूरी संविधान सभा ने सर्वानुमत से हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का निर्णय। और ये संविधान सभा देश के कोने कोने का प्रतिनिधित्व करती थी। कई सारे मूर्धन्य साहित्यकार अंदर थे, कई सारे कानूनविद थे, ढेर सारे लोक नेता थे, ढेर सारे सेवा की भेख धरने वाले सेवाभावी लोग थे, कई धर्माचारी अंदर बैठे थे और सभी धर्मों के प्रतिनिधि भी अंदर बैठे थे। इस सब ने इकट्ठा होकर हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, और मैं मानता हूं कि संविधान सभा का वो निर्णय आज देश में एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मित्रों, जहां तक भाषा का सवाल है, मैं इतना जरूर मानता हूं कि भाषा की समृद्धि सबसे ज्यादा ईश्वर ने कृपा कर किसी एक देश को दी है, तो वो हमारा भारत है, जिसको सबसे ज्यादा समृद्धि भाषा है। कई देश की एक भाषाएं होती है, दो तीन बोलियां होती है, ये देश इतनी विविधता और इतनी सांस्कृतिक विविधताओं से बना हुआ देश है, जिसके अंदर अंतिम जनगणना की बात करें तो 122 भाषाएं और 19,500 से ज्यादा बोलियां हैं, 19,500 से ज्यादा, और 122 भाषाओं में से हमारी आधिकारिक भाषा की जो सूची प्रसिद्ध हुई है 8वीं सूची में, उसमें 22 भाषाओं को हमने मान्यता दी है। और यूनेस्को का एक सर्वेक्षण है, मगर इस प्रकार के सर्वेक्षण कभी अंतिम और सच नहीं हो सकते, कोई भी करे नहीं हो सकते, इसमें यूनेस्को का कोई दोष नहीं है। इनके हिसाब से लगभग 6,000 भाषाएं दुनिया में बोली जाती है, 6,000 भाषाओं का अस्तित्व है। परंतु मित्रों, मैं आज एक बात जरूर कहना चाहता हूं, आज हिंदी दिवस के अवसर पर हम सब ने आत्मचिंतन, आत्म अवलोकन करने की भी जरूरत है।
कई सारे देश ऐसे हैं दुनिया में जिनकी भाषाएं लुप्त हो गई, भाषाएं गंवा बैठे, अपनी भाषाओं को आज वो छोड़ चुके हैं। और जो देश अपनी भाषा छोड़ देता है वो अपने अस्तित्व को कभी कायम नहीं रख सकता। भौगोलिक अस्तित्व हो सकता है, शायद उसका सदियों तक चले, परंतु इसका विचार प्रवाह, उसकी सांस्कृतिक अस्तित्व वो नहीं बचा सकता, क्योंकि भाषा ही है जो व्यक्ति को अपने देश के मूल के साथ जोड़ती है, अपने विचार प्रवाह देश के विचार प्रवाह के साथ जोड़ती है, अपनी संस्कृति के साथ जोड़ती है। हर बच्चे में ईश्वर बुद्धि देता है, बुद्धि के साथ स्वभाषा से श्रुति और स्मृति के माध्यम से ज्ञान अर्जित करता है, बुद्धि में ज्ञान मिलता है तो धारणा बनती है, धारणा में अनुभव और विश्लेषण मिलता है तो मेघा बनती है। बुद्धि, धारणा और मेघा ही संस्कृति की रचना करते हैं, संस्कृति का वहन करते हैं। और जो देश स्वभाषा खो देता है, जो देश स्व अपनी बोलियां खो देता है, वो देश अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों का जतन नहीं कर सकता। मुझे कई बार अनेक देशों के लोगों को मिलने का अवसर मिला है, जब मैं उनको पूछता हूं कि आपके देश की भाषा कौन सी है, बड़े शर्म के साथ वो कहते हैं कि हम अंग्रेजी बोलते हैं। कई सारे देशों को तो उनके देश की भाषा तक याद नहीं, कई सारे देश में नाम देकर यहां कोई अनुचित इस प्रकार का प्रयास करना नहीं चाहता जिससे किसी को नीचा देखना पड़े, परंतु मुझे बात आज की युवा पीढ़ी को और आज के भारतीय समाज को इसलिए कहना चाहता हूं कि हमें भी आत्मचिंतन और आत्मावलोकन करने की जरूरत है। अगर हम हमारी भाषा खो बैठते हैं, हमारी बोलियां खो बैठते हैं, तो हमारे विचार प्रवाह के साथ हम कटाव कर लेंगे, हमारी संस्कृति के साथ हम कटाव कर लेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दुनिया की कोई भी भाषा ला दीजिए और भारत की कोई भी भाषा को उठा लीजिए, सबसे समृद्ध भाषाएं किसी देश में है तो मेरे भारत की भाषाएं सबसे। हमारी भाषाओं में जो समृद्धि है, जो भाव है, जो विराट शब्दकोश, वो शायद ही किसी देश की, किसी दुनिया की भाषा के पास हो, क्योंकि सबसे पुराना चिरातन 10,000 साल का एक सांस्कृतिक प्रवाह में से शब्द उभरे। हमारा शब्दकोश 10,000 साल पुराने सांस्कृतिक प्रवाह से बना है। मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूं, अंग्रेजी के साथ जोड़कर। पिता के भाई को अंग्रेजी में अंकल कहते हैं, मौसा को भी अंकल कहते हैं, फूफा को भी अंकल कहते हैं। 18 ऐसी पहचान है जिसको अंकल के अलावे कोई शब्द नहीं मिलता, और हमारे यहां 18 के 18 रिश्तों को अलग अलग प्रकार से व्याख्यायित करने की वह मां और बच्चे के हेत को भी वो लव कहते हैं, भाई और बहन के प्यार को भी वो लव कहते हैं, पति पत्नी के रिश्ते को भी लव से ही व्याख्यायित करते हैं, देशभक्ति को, देश और नागरिक के रिश्ते को भी है। ये भाषा की समृद्धि का सवाल जहां तक है, मैं सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर सकता करता, देश की कोई भी भाषा उठा लीजिए, दुनिया की समृद्ध से समृद्ध भाषा के साथ इसकी तुलना कर दीजिए, हमारी भाषाओं की व्यापकता और समृद्धता दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा और इसके आधार पर हमें आगे बढ़ना। एक लघुता ग्रंथि का भाव जो निर्मित हुआ है लंबे गुलामी के कालखंड के कारण, वो भाव को हमने छोड़ना पड़ेगा। मैं आज हिंदी दिन के अवसर पर देश भर के लोगों को आह्वान करना चाहता हूं कि कम से कम बच्चों से तो अपनी भाषा में बात करिए, अपने सहकर्मियों से तो अपनी भाषा में बात करिए। अगर हम ही हमारी भाषा का आग्रह छोड़ देंगे तो किस प्रकार से हमारी भाषाओं को लंबे समय तक ले जाएंगे। भाषाएं तभी जीवित रहती है जब भाषा जिसकी है वो उसका महत्व को जानते हैं। भाषा तभी जीवित रह सकती है
जब भाषा जिसकी है वो समाज इसके शुद्धिकरण और संशोधन में उद्योग रत हो, प्रवृत्त रत हो। भाषा तभी जीवित रह सकती है जब नई पीढ़ी इस अपनी भाषा को बोलने में गौरवान्वित होती हो, गौरव का अनुभव करती हो, गौरव का एहसास करती हो। और वो तभी हो सकता है जब शिक्षा के क्षेत्र के साथ जुड़े हुए लोग हमारे विद्यार्थियों को गौरव के साथ कहे कि आप ऐसी भाषा के वाहक हो जो दुनिया में सबसे समृद्ध है। मित्रों, अनेक प्रकार की भाषा, अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां, कई लोगों को लगता है देश के लिए बोझ। मुझे लगता है अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां हमारी देश की सबसे बड़ी ताकत है, देश की सबसे बड़ी। परंतु जरूरत है कि देश की एक भाषा हो जिसके कारण विदेशी भाषाओं को जगह न मिले, और देश की एक भाषा हो, इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमारे पुरखों ने, हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने राजभाषा की कल्पना की थी और राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया था। और मैं मानता हूं कि हिंदी को बल देना, हिंदी को प्रचारित करना, हिंदी को प्रसारित करना, हिंदी को संशोधित करना, इसके व्याकरण का शुद्धिकरण करना, इसके साहित्य को एक नए युग के अंदर ले जाना, चाहे वो गद्य हो या पद्य हो, ये सारी हमारे दायित्व है और राष्ट्रीय दायित्व है। आजादी के समय लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और गांधी जी और विनोबा के नेतृत्व में अगर हिंदी पर बल न दिया होता तो शायद आज हमारी भाषा गवां बैठी। अंग्रेज जहां जहां से गए उनकी भाषा खत्म हो गई है। एक ही देश है जिसने अंग्रेज और अंग्रेजियत दोनों को परास्त करने का काम किया है, अंग्रेजी को परास्त। और ये भाव को, ये आंदोलन को, ये स्पिरिट को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। मित्रों, आज हम हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए सब एकत्रित आए हैं। मुझे राजभाषा विभाग के मंत्री रूप में थोड़ा संकोच भी होता है। कार्यक्रम का स्वरूप बड़ा भव्य दिखता है, मगर ये कार्यक्रम सभागारों का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, ये कार्यक्रम जनता का कार्यक्रम होना चाहिए। और मैं आप सबको आश्वासन देना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगले साल हिंदी दिन का कार्यक्रम, हिंदी दिवस का कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रम होगा और इसमें पुरस्कार प्राप्त करने का, इसमें पुरस्कार प्राप्त करने वालों के अलावा भी बहुत सारे लोग होंगे, ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। हिंदी के आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए, हिंदी के आंदोलन को जन जन तक पहुंचाना चाहिए और ये मेरे विभाग का दायित्व है, राजभाषा विभाग का दायित्व है। अगले साल हम इसको जरूर याद कर राजधानी के बाहर भी ले जाएंगे, सार्वजनिक भी करेंगे और एक दिन की जगह पूरा सप्ताह मनाकर अनेक विविध कार्यक्रमों के अंदर हम हिंदी को आगे बढ़ाएंगे। हिंदी के महत्व को हमें पहचानना चाहिए, हिंदी के महत्व को हमें स्वीकारना चाहिए। अगर आजादी के आंदोलन में से हिंदी को निकाल देते हैं तो आंदोलन की आत्मा ही खत्म हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन चलता था, कांग्रेस के अधिवेशन देश भर के हरेक प्रांत में अलग अलग जगह होते थे, हरेक प्रांत की भाषा और बोलियां अलग होती थी, जनता जुड़ती थी, जनता को संदेश पहुंचाने होते थे और कांग्रेस अधिवेशनों ने हिंदी को बड़ी ताकत दी। उस वक्त के हमारे आजादी के आंदोलन के सेनानियों ने हिंदी को बड़ी ताकत दी। आचार्य विनोबा भावे जैसा बहुश्रुत और बहु भाषाओं का विद्वान कोई और विश्व में हुआ नहीं है। शायद सबसे ज्यादा सभी भाषाओं को बोलने वाले, लिखने वाले और उसके व्याकरण पर भी अपनी हथौटी रखने वाले अगर कोई एक विद्वान थे विश्व भर में तो विनोबा भावे। विनोबा भावे विश्व की सभी भाषाओं का सम्मान करते थे,
और ऋग्वेद की ऋचाओं में विश्वास करते थे कि अच्छा है किसी भी दिशा से हमें प्राप्त हो और वो हमें अच्छा बनाए। भाषाओं के बारे में भी उनके यही विचार थे, मगर उन्होंने फिर भी कहा था कि मैं दुनिया की सभी भाषाओं का सम्मान करता हूं, परंतु मेरे देश, मेरा देश हिंदी का सम्मान नहीं करे वो मैं सहन नहीं कर सकता, वो मेरे देश के लिए ठीक। और विनोबा भावे का ये वाक्य हिंदी को, हिंदी का महत्व समझाने के लिए पर्याप्त है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती आ रही है, पूज्य बापू ने कहा राष्ट्रभाषा के बगैर राष्ट्र गूंगा है। अगर राष्ट्र राष्ट्रभाषा को गवा देगा जिस दिन, उस दिन हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति दुनिया के लिए समाप्त हो गई, गूंगा हो जाए। वो बताता है कि हमारी राजभाषा का महत्व क्या है। सरदार पटेल जिन्होंने देश को एक बनाया, अखंड बनाया, 630 से ज्यादा रियासतों को जोड़ने का काम किया, और आज भारत माता का जो स्वरूप हमारे सामने है उसको लाने में जिनका बड़ा योगदान रहा है, उन्होंने कहा देश को एक और सशक्त भी बना सकते हैं कि हिंदी समग्र देश का, हिंदी को जब समग्र देश स्वीकार करेगा। ये बताता है कि कितना महत्व हिंदी का। डॉक्टर लोहिया जिन्होंने एक अलग विचारधारा देने का प्रयास किया, समाज के पिछड़े वर्गों को उनके सशक्तिकरण के लिए, उनको उनके अधिकार दिलाने के लिए पूरा जीवन खर्च किया। लोहिया साहब ने भी कहा कि हिंदी के बिना लोकराज संभव नहीं है, क्योंकि शासन की भाषा वो ही होनी चाहिए कि शासन जिसके लिए हो। लोकतंत्र में शासन लोगों के लिए होता है। अगर शासन की भाषा लोग नहीं समझ सकते हैं तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। लोहिया जी जैसे चिंतक ने हिंदी के लिए कहा है, हम सब के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। पुरुषोत्तम दास टंडन जिन्होंने न केवल संविधान सभा, सार्वजनिक जीवन के सारी सुचिताओं को बनाने के लिए टंडन जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। सार्वजनिक जीवन का कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए टंडन जी ने बहुत अच्छे से व्याख्यायित किया था। हमारी संविधान सभा की हर डिबेट में टंडन जी का योगदान है। उन्होंने भी कहा कि राजभाषा ही राष्ट्र का जीवन है, राजभाषा के बगैर राष्ट्र जीवन कभी हो ही नहीं सकता। मित्रों, बहुत लंबे कालखंड तक कोई क्षोभ, कोई संकोच, कोई लघुता ग्रंथि देश के अंदर पनपती रही, बढ़ती रही, पलती रही। जब 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के विदेश मंत्री बने और यूएन जनरल असेंबली में उनको भाषण करने का मौका मिला, तो पहली बार भारत के विदेश मंत्री ने यूएन के अंदर हिंदी में भाषण कर वैश्विक मंच पर निकाला। और हिंदी बोलने वालों को, हिंदी समझने वालों को, हिंदी के प्रति अपना प्रेम रखने वालों को एक लघुता ग्रंथि के बाहर निकालने का काम अटल जी ने कहा। सुषमा जी ने भी संयुक्त राष्ट्र में जब विदेश मंत्री रही, हिंदी समाचार बुलेटिन शुरू कराने का आग्रह किया और सफलता भी मिली। संयुक्त राष्ट्र को हिंदी में अपना ट्विटर अकाउंट खोलने के लिए उन्होंने मजबूर किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के 20% लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी जानते हैं। अगर यूएन को 20% लोगों के पास पहुंचना है तो अपना संदेश, अपनी सभी क्रियाकलाप वो हिंदी के अंदर अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से रखने चाहिए। और आज हम सबको आनंद है कि यूएन ने इस बात को स्वीकारा है। मित्र, प्रधानमंत्री जी भी विदेश में जहां जहां मूल भारतीयों को मिले हर जगह उन्होंने हिंदी में भाषण करने का आग्रह रखा और डंके की चोट पर वैश्विक मंच पर हिंदी को पहुंचाने का।
यूएन की जनरल असेंबली को जब उन्होंने संबोधित किया तब भी अस्लखित हिंदी में, धारा प्रवाह हिंदी में अपना भाषण कर दुनिया को हिंदी का परिचय कराने का काम किया। और दाओस के अंदर अंग्रेजी के अलावे, इतने सालों से दाओस आर्थिक परिषद चलती है, अंग्रेजी के अलावे अपनी भाषा में बोलने वाले पहले राष्ट्राध्यक्ष बनने का सम्मान भी श्री नरेंद्र मोदी। और मेरा सबको आग्रह है कि दाओस के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिषद जो दाओस की हुई, इसके नरेंद्र मोदी जी के हिंदी भाषण को सबने सुनना चाहिए। भारत के आर्थिक चिंतन को उन्होंने अपनी भाषा में बहुत सुंदर रूप से दुनिया के सामने रखा और किसी को थोड़ा सा भी नीचा दिखाए बगैर अपने आप को कितनी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं उसका उदाहरण वो भारत हिंदी में उनका भाषण विश्व को समझाया कि हमारा चिंतन, चाहे वो अर्थव्यवस्था के बारे में हो, चाहे संस्कृति के बारे में हो, चाहे भाषाओं के बारे में हो, वो मूल चिंतन है। हमारे पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है, ये बताने का प्रयास गौरव के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। यहां बहुत सारे सचिव बैठे हैं, मैं गृह मंत्रालय में काम करता हूं, गृह मंत्री हूं। मेरे आने के बाद 10 दिन तक एक भी फाइल हिंदी में नोटिंग करने वाली नहीं आई थी और आज कम से कम 60% फाइलें हिंदी में नोट। अगर ये बदलाव हर विभाग करे, अगर ये बदलाव हर व्यक्ति करे, तो मुझे लगता है हिंदी को एक लंबा आयुष्य देने में और हिंदी को बढ़ाने में हम सब सफल होंगे। मित्रों, स्वतंत्रता संग्राम से लेकर हमारे पौराणिक दर्शन को, हमारी संस्कृति को और हमारे सांस्कृतिक प्रवाह को, हमारे इतिहास को, हमारे साहित्य को जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि हम हमारी भाषाओं को, भारतीय भाषाओं को बल दे और एक भारतीय भाषा ऐसी बनाए जो कम से कम पूरा देश जानता हो। मैं अभी अभी उत्तर पूर्व के राज्यों से आया हूं। उत्तर पूर्व के राज्यों में मुझे बहुत आनंद हुआ जब मैंने उत्तर पूर्व विकास काउंसिल की मीटिंग में ये सुना कि उत्तर पूर्व के राज्यों के अंदर हिंदी सीखने के लिए सब प्राइवेट ट्यूशन रखना शुरू किए हैं। मित्रों, हमने तय किया है कि उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में हिंदी केंद्र सरकार के आग्रह पर हर बच्चे को हिंदी पढ़ाई भी जाएगी, सिखाई भी जाएगी और बोलना भी सिखाया जाएगा। पूर्वा उत्तर पूर्व आज हिंदी को स्वीकारने के लिए तैयार हुआ है। हिंदी के लिए ढेर सारे लोगों ने पुनर्जागरण के लिए विशेष प्रयास किया है। केशव चंद्र सेन, राजा राममोहन राय, महर्षि दयानंद सरस्वती, लोकमान्य तिलक, सुब्रमण्यम भारती और भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, जय शंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रानंदन पंत, बच्चन जी, ढेर सारे लोगों ने हिंदी को बल दिया है। और नीरज जैसे लोगों ने हिंदी पिक्चर में भी शुद्ध हिंदी का आग्रह रखकर गीतों को शुद्ध हिंदी में लिखकर एक संदेश भेजने का प्रयास। नीरज जी की कविताएं देखिए आप, कहीं पर किसी प्रकार का इसके अंदर घालमेल आपको दिखाई नहीं देगा। आज किसी हिंदी क्षेत्र में जन्मे हुए बच्चे को, हिंदी माध्यम में पढ़े लिखे बच्चे को भी खड़ा कर दीजिए और कह दीजिए कि 40 मिनट एक भी अंग्रेजी का शब्द प्रयोग करे बगैर हिंदी भाषा में धारा प्रवाह भाषण देना है या बोलना है तो वो नहीं बोल पक सकेगा। ये पूरे हिंदी प्रेमी जो बैठे हैं उसमें से भी कोई नहीं बोल पाएगा, इतना प्रभाव हम पर बढ़ गया है।
मैं तो शिक्षाविदों को कहना चाहता हूं कि ऐसी वक्तृत्व स्पर्धा का आयोजन करें जिसमें बच्चों को केवल और केवल हिंदी में बोलना है और जो एक भी शब्द प्रयोग हिंदी का नहीं, हिंदी के अलावा कोई भाषा का नहीं करेगा उसको नंबर एक दिया जाएगा। इतने आग्रह के साथ हिंदी की दिशा में हमने आगे बढ़ना चाहिए, हिंदी को एक नई दिशा देनी चाहिए। मित्रों, मैं ढेर सारे नेताओं ने हिंदी के लिए बहुत कुछ कहा है, परंतु मैं इसमें जाना नहीं चाहता। हिंदी के क्षेत्र में ढेर सारा काम बाकी है, कानून और न्याय के क्षेत्र में, औषधीय विज्ञान के क्षेत्र में, इंजीनियरी विज्ञान के क्षेत्र में, ढेर सारे क्षेत्रों में हिंदी को पहुंचाना बाकी है। मगर लड़ाई यहां तक आई है तो वो जंग भी जरूर जीतेंगे, इसका मुझे भरोसा है। मैं आज मंत्री बनने के तुरंत बाद ही हिंदी दिन आया है, मैं आप लोगों को इतना विश्वास जरूर दिलाता हूं कि 2024 में जब हम फिर से चुनाव में जाएंगे तब हिंदी बहुत बड़ा मकाम हासिल कर एक बहुत बड़ा अंतर काट कर सम्मान के साथ, और ये राजभाषा विभाग का दायित्व है और ये दायित्व के निर्वहन में हमारी सचिव से लेकर सभी कर्मी राजभाषा विभाग की कटिबद्ध है, दृढ़ निश्चयी है और हम हिंदी को हरेक क्षेत्र में पहुंचाने का प्रयास भी करेंगे। और हिंदी बढ़ाने का मतलब ये कभी नहीं हो सकता कि किसी और भाषा का द्वेष कर हिंदी को बढ़ाया। आज तक हिंदी सह अस्तित्व में ही बढ़ी है, आगे भी हिंदी सह अस्तित्व में ही बढ़ेगी। देश की सभी भाषाओं का सम्मान करते हुए हम हिंदी को सर्वप्रथम सर्वस्वीकृत भाषा बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मित्रों, आज हिंदी दिन के कार्यक्रम में आप सब इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं, बहुत सारे पत्रकार बंधु भी आए, छायाकार मित्र भी आए हैं, मैं सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। और मेरा आग्रह है जिन जिन के पास समय की उपलब्धता है, अभी एक कवि सम्मेलन है, मैं भी रहने वाला हूं पूरा समय, आप भी कवि सम्मेलन में रहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। काफी सारे कवियों ने अपनी रचनाएं लेकर हमारे सामने आए हैं, उनकी हौसला अफजाई, उनके उत्साह को बढ़ाना भी हमारा कर्तव्य होना चाहिए, दायित्व होना चाहिए। फिर एक बार पूरे देश को और दुनिया भर में रहते हुए भारतीयों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत में एक अत्यंत चिंतन परक, प्रखर और ओजस्वी संबोधन के लिए माननीय गृह मंत्री जी के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।